हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक इकाई है, ठीक है, जो कि बिजली का उत्पादन करती है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जो है एक असिस्टेंट इंजीनियर, रिव्यू ऑफिसर, टेक्नीशियन, ठीक है, नर्स, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट ऑफिसर वगैरह की बहुत सी वैकेंसी निकली हुई। जी हाँ, इसमें सभी लोगों के लिए इसमें वैकेंसी निकली हुई है, चाहे आप लोग 10th ITI हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, CA, ICW, या फिर आप लोगों ने किसी प्रकार से BTEC या फिर डिप्लोमा वगैरह कर रखा, सभी के लिए इसमें आप लोग की वैकेंसी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये आप लोग की जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, AEME AEAO RA, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो है आप लोग का एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग ऊपर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जी हाँ, जो कि शक्ति विहार और लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम आरक्षित पर सभी के लिए, ठीक है, चाहे आप लोग SC ST OBC किसी से भी हो, जनरल हो, ठीक है, आप लोगों के लिए समूह गैर यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। तो क्या है वैकेंसी, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या फीस रहने वाली, पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड की। जी हाँ, यहाँ पे जॉब बहुत अच्छी होती है, सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है इसमें। तो ये लोगों की एक ड्रीम होती है, ठीक है, विद्युत जो उत्तर प्रदेश पावर राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में काम करना, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोगों की सहायक अभियंता प्रशिक्षु, इसे आप लोग बोलेंगे AE, जी हाँ, AE यांत्रिक विद्युत, अगर मैं आप लोग को इंग्लिश में बोलूं तो ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, जी हाँ, इन सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग इसे डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। इसी प्रकार से जो आप लोग के AE प्रशिक्षु, इसकी भी यहाँ पे जनपद की वैकेंसी निकली हुई, ठीक है, इसमें आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग को लेखा अधिकारी प्रशिक्षु, ठीक है, यानी कि आप लोग अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग की टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय, जी हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय, जिसमें कि आप लोगों ने 10th और ITI कर रखी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने फीटा, इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट वगैरह में ITI कर रखी है, ठीक है। तो पूरी डिटेल मैं आप लोगों को नीचे देते जाता हूँ। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप लोग को रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि यार आप लोग अदर स्टेट से हैं तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी। और इसके अलावा जो नीचे आप लोगों को सैलरी, ठीक है, सैलरी इसमें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि सैलरी लोगों की प्राथमिकता होती है जानना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं, AE जो है ENM में है तो आप लोग यहाँ पे 56,100 से 1,77,500 आप लोग की सैलरी। तो मैंने आप लोग उसे शुरू में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश जो ये पावर लिमिटेड है इसमें आप लोगों की जो सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है। इसके अलावा AE में 56,177,000, ठीक है, लेखाधिकारी भी 56,177,000 की ग्रेड में है। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर में भी सैलरी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा स्टाफ नर्स में भी सैलरी आप लोग की 36,800 से 1,16,000 के बीच की, ठीक है, फार्मासिस्ट में भी 29,000 से आप लोग की 94,000 है, और टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय यानी कि 10th और ITI लेवल की जो पोस्ट है इसमें भी आप लोगों की सैलरी जो है 27,200 से 86,100 के बीच में है। तो सैलरी सभी के लिए बहुत ही अच्छी है, वीडियो पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आप लोगों की शैक्षिक अर्हता, जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग AE ट्रेनिंग के लिए भर रहे हैं, ठीक है, ENM के लिए, तो आप लोग जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आप लोग इन डिसिप्लिन में आप लोगों ने BTEC कर रखा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप लोग मैकेनिकल से कर रहे हैं तो आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और थर्मल मैकेनिकल एंड
ऑटोमेशन और पावर इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल की जो ये ब्रांचें हैं इनमें आप लोगों ने कर रखा है, तो आप लोग इस मैकेनिकल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल पावर सिस्टम हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर इंजीनियरिंग में आप लोगों ने कर रखा है, तो आप लोग इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल में कर रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग अप्लाई करें। इसके अलावा यदि आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आईटी में आप लोगों ने बीटेक कर रखा है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नीचे कंडीशन भी दे रखी है, आप लोगों ने जो बीटेक करी है वो आप लोग की 60% मार्क्स यानी कि टोटल आप लोग के एग्रीगेट 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ बातें हैं, डिग्री जो है आप लोगों की डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो आप लोगों की डिग्री है वो आप लोगों की जो ऑनलाइन अप्लाई से के डेट तक आप लोगों की जो प्रोवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। और जो आप लोग यदि CGPA OGPA सिस्टम CGPA सिस्टम है तो आप लोग उसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, परसेंटेज में, वो आप लोग की जो यूनिवर्सिटी आप लोग की जो परसेंटेज जिस हिसाब से कन्वर्ट करती है वो आप लोग को पता होगी। इसके अलावा जो आप लोग की न्यू वैकेंसी है वो आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल की पोस्ट में, तो इसमें आप लोग यदि आप लोग सिविल या कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, 65% आप लोग के पास एग्रीगेट होने चाहिए और डिस्टेंस लर्निंग से आप लोग की डिग्री नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आप लोग की जब भी आप लोग ऑनलाइन सबमिशन करें एप्लीकेशन तो उस वक्त आप लोग की जो डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर में मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। यदि हिंदी की जानकारी नहीं है तो आप लोग ज्वाइनिंग के थ्री ईयर के अंदर अंदर आप लोग को एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है, उसे आप लोग क्लियर करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल। इसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आप, और इसके साथ साथ आप लोग के पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ हाई सेकंड क्लास, यानी कि 50% मिनिमम आप लोग के पास होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो उसमें आप लोग कॉस्ट अकाउंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आप लोग के पास MBA की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग CA CS नहीं है तो आप लोग MBA होने चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आप लोग है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी में भी आप लोग की हिंदी की जानकारी होनी चाहिए और आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे BA BSc बोकम कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20 एंड 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कंप्यूटर चलाने की। इसके अलावा जो डिस्टेंस लर्निंग से डिग्री आप लोग की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और डिग्री जो है आप लोग के पास ऑनलाइन अप्लाई से पहले, ऑनलाइन अप्लाई के डेट तक आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा स्टाफ नर्स में मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने नर्सिंग या मिडवाइफ में डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, और आप लोग की डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन नहीं होनी चाहिए इसी प्रकार से। और जो आप लोग के पास डिग्री है वो आप लोग एनुअल ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप लोग के पास होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए आप लोग के पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए उसी प्रकार से, और डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड 2, जी हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड 2 में मैं आप लोग को बता दूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद से आप लोग जो हाई स्कूल में, हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित के साथ आप लोग के साथ होनी चाहिए, जी हाँ, तो आप लोग। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप लोग के पास ITI होनी चाहिए। और इसके अलावा DOEC का 80 घंटे का आप लोग का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए CCC, ठीक है, तो ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। यानी कि हाई स्कूल आपके पास साइंस मैथ प्लस ITI होनी चाहिए और CCC होनी चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग टेक्नीशियन फीटर में भी आप लोग हाई स्कूल होनी चाहिए गणित और साइंस के साथ, और आप लोग के पास कंप्यूटर का होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, 80 घंटे का प्रमाण पत्र होना चाहिए CCC का, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग इंस्ट्रूमेंट में भर रहे हैं तो आप लोग के पास हाई स्कूल होनी चाहिए साइंस से, ठीक है, यानी कि साइंस और गणित के साथ, और आप लोग के पास ITI होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग के पास जो है DOEC का प्रमाण पत्र होना चाहिए CCC का, ठीक है। और जो यदि आप लोग डिस्टेंस लर्निंग से हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आवेदन के समय ITI प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए तथा अभ्यर्थी के पास SCVT या NCVT से अंतरिम राष्ट्रीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि NCVT और SCVT दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन वही है कि अप्लाई करने से पहले आप लोग के पास डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसके अलावा आयु की गणना तो आप लोग में आयु आप लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 21 से 40 18 से 40, यानी कि आयु इसमें बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आप लोग SC ST OBC से हैं और UP के निवासी हैं तो आप लोग को यहाँ पे छूट दी जाएगी। इसके अलावा आयु में जो छूट दी जा रही है, ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, जैसा गवर्नमेंट जॉब में होता है OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल यहाँ पे छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क में आप लोग को बता दूं, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो 700 रुपये, अन्य श्रेणी वालों को यानी कि
जनरल ओबीसी वालों को ₹1,000 देना है, और यदि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप तब भी आप लोग को यहाँ पे ₹1,000 पे करने हैं, ठीक है। जो पेमेंट होगी वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा जैसे ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। ऑनलाइन का जैसे ही इसका अप्लाई होगा ऑनलाइन, तो मैं आप लोग का वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट्स कर दिएगा मुझे ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो चाहिए, मैं आप लोग को वीडियो भी बना के दे दूंगा, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 7 मार्च से होने वाला है, तो अभी आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग का जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, YD प्रूफ वगैरह चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई में आप लोग देख लेंगे, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह भी है इसमें आप लोग का, कुछ पोस्टों के लिए टंकन परीक्षण, इसमें टंकन परीक्षण भी है, ठीक है। और इसके अलावा चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप लोग को बता दूं, इसमें आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। सीबीटी होगा, सीबीटी जो है आप लोग की 3 घंटे की होने वाली, 3 घंटे का पेपर होगा इसमें, तो इसमें सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, ठीक है। एई के लिए आप लोग का आदि जो सीबीटी होगा उसका अलग है, ठीक है। एई में जो पोस्ट है उसमें आप लोग को जो है, यानी कि सीबीटी के बाद जो एग्जाम कंप्यूटर पे जो एग्जाम है उसके बाद आप लोग को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जो भी एई की पोस्ट के लिए। इसी प्रकार जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए आप लोगों को जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और आप लोग का जो टंकन होगा, ठीक है, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगी, इसके बाद आप लोग का जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट के लिए आप लोगों को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टेक्नीशियन के लिए आप लोग को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यानी यदि आप लोग आईएई की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को रिटर्न एग्जाम के बाद जो है आप लोग का इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आप लोग का जो है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी पोस्टों के लिए आप लोग को जो है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना है, और उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जबकि समीक्षा अधिकारी में आप लोग को टाइपिंग टेस्ट भी देंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग को पूरी जानकारी होगी, वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, इसकी पूरी ध्यान से आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और जरूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो इसमें एग्जाम का प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को सिलेबस दे रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसका मैं आप लोग को डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, सारी चीजें इसमें आप लोग को दे रखी है, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए, टेक्नीशियन के लिए भी आप लोग का पूरा डिटेल दे रखा है। यदि आप लोग टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं तो आपको 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, सिलेबस आईटी से रिलेटेड, और आप लोग को आईटीआई से रिलेटेड, और पार्ट 2 में आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग होगी, ठीक है। इसमें आप लोग की माइनस मार्किंग भी होने वाली है, तो आपको मैं इसका डिटेल वीडियो दे दूंगा जो इसका सिलेबस है उसका, ठीक है। और इसके अलावा जो टाई ब्रेकिंग में आप लोग को बता दूं, टाई ब्रेकिंग वगैरह भी है इसमें, ठीक है, सिस्टम वगैरह, आवेदन कैसे करें। तो यदि आप लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग कर रखी है, ठीक है, आईटीआई में ट्रेनिंग ले रखी है, यदि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से यहाँ से, तो आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप लोग को यहाँ पे जो फायदा मिलने वाला है, ठीक है, आप लोग को फायदा मिलने वाला है। यदि आप लोग की टाई ब्रेकिंग होती है तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोग को दे दूंगा, जिससे जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई का टाइम आएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार नीचे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देंगे कि हमें ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो चाहिए, मैं आप लोग को बना के दे दूंगा। जिसको ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं वो आप लोग के 7 मार्च से होने वाले हैं, जिसकी लास्ट डेट है आप लोग की 6 अप्रैल 2020। तो अभी टाइम है, तो फ्रेंड्स कुल मिला के मैंने आप लोग को पूरी पूरी जानकारी दे दी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में किस प्रकार से वैकेंसी निकली हुई है और कितनी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी जो मैं आप लोगों को बताऊं तो 353 वैकेंसी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं दे दूंगा, वीडियो को आप लोग जो भी है इसका पीडीएफ इसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स अब जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं बनाऊं ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड तो आप लोग के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।